अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हुआ मैं आपके सामने। कुछ एविडेंस जो है छूट गए थे कल के वीडियो में, तो वही बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए, इन्होंने जो अपना जो प्रपोज़ल डाला था और जो प्रपोज़ल जो पास हुआ था और फिर जो कोर्ट है उसने क्या कहा था, ये मेरे पास में जो है स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, पॉइंट नंबर 9, दैट द पेटिशनर नंबर 1 एक्यूज इमीडिएटली आफ्टर हर रिलीज वुड कॉल एन एजीएम ऑफ द कंपनी। यानी कि पेटिशनर नंबर 1 नोहरा शेख जैसे ही रिलीज होती है वो एजीएम लेंगी, कॉल फॉर एजीएम ऑफ द कंपनी। ठीक है, एजीएम हुआ नहीं। एंड इनवाइट द इन्वेस्टर्स क्लेम हूसोएवर वांट टू विथड्रॉ, और इनवाइट करेंगी यानी कि दावत देंगी जो भी इन्वेस्टर्स क्लेम करना चाहते हैं विड्रॉल के लिए विद देयर इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव अप्लाइड फॉर द विड्रॉवल। और ये भी पता लगाएंगी रिकॉर्ड से कि कितने लोग ने पहले से ही जो है विड्रॉल डाल चुके, यानी कि 2018 में ये जो है डायन चुड़ैल नोहरा शेख जो है अरेस्ट हुई। और इसको डायन चुड़ैल इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए रमज़ान का महीना है और सब रोजे से है, तो क्या है मुंह से यही सब लफ्ज़ निकल रहे हैं क्योंकि इतने लोग परेशान हैं ना, उन लोग के फ़ोन आ रहे हैं, ऑडियो सुन के मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। तो इसको है ना दज्जाली बोलेंगे और फिरौन की तरह ये इबरतनाक हो जाएगी, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, हु हैव अप्लाइड फॉर विड्रॉल, यानी कि जो लोग ने अप्लाई कर दिए, एंड द सेम विल बी पेड विद इन 6 मंथ्स इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और वो जो लोग हैं जिनको आप दावत दोगे इन्वेस्टरों को, जिन लोग ऑलरेडी विड्रॉल कर चुके हैं, जैसे कि उसमें मैं भी हूँ, ठीक है, बहुत से लोग हैं 2018 में विड्रॉल किए, 17 में विड्रॉल किए, उन लोगों का पैसा 6 महीने के अंदर अदा करने की कोर्ट इनको बोल रही है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6 मंथ में 2-2 महीने के हिसाब से, अभी इनको छूट के 3 महीना तो हो चुका है, तो 2-2 महीने के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर इनको पैसा अदाई करना है, सब्जेक्ट टू दिस हॉनेबल कोर्ट ऑर्डर, यानी कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से, प्रोवाइडेड द पेटिशनर इज गिवन एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स सो एज टू नो अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोनोफाइड विड्रॉल एप्लीकेशन। अब जो इन्होंने ये जो चालू करी है और ये बोल दी है कि मेरे पास बैकअप है, तो इनके पास में जो है विड्रॉल का भी बैकअप होना चाहिए। अब विड्रॉल का ये क्या बोली अपने वीडियो में आके कि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, यहीं पे हमारी जो है फाइट हो रही है, समझे, यहीं पे जो है मेरी फाइट है इनसे। क्योंकि देखिए, अगर जैसे कि हम अगर कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है, तो ये वहां पे डिक्लेयर कर देगी कि ऑलरेडी विड्रॉल वाले लोग का दे चुकी हूँ। अभी जो वेबसाइट इसने खोली है, वेबसाइट का खुलासा मैं कर दूं कि ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर इधर पे क्या लिखा हुआ है, आई एम वेल अंडरस्टूड, सरेंडर वाले लोग का बता रहा हूँ, आई एम वेल अंडरस्टूड दैट हीरा ग्रुप इज अ बिजनेस, हीरा ग्रुप इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड माय मेंबरशिप में अर्न बेनिफिट और लॉस विच कैन बी पेड और सेटल्ड टेंटिवली। यानी कि मेरी मेंबरशिप से, यानी कि हीरा ग्रुप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब अपने आप को साबित कराना चाह रही है, इन्वेस्टरों के थ्रू साबित कराना चाह रही है, और ये डिक्लेरेशन इन्वेस्टर खुद भर रहे हैं, ये डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को, सरेंडर कर रहे हैं, और ये चीज़ ये कोर्ट में ले जाके दिखाएगी। और इसके अंदर मेरी मेंबरशिप जो है उसमें मैं बेनिफिट और लॉस ये दोनों की हकदार हूँ, और विच कैन बी पेड और सेटल टेंटिवली, यानी कि ये पे भी कर सकती है या सेटल भी कर सकती है टेंटिटिवली, यानी कि कभी भी, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोग ये धोखे से बचा रहा हूँ मैं आपको, ये धोखे में ना पड़िए, ये आपसे डिक्लेरेशन ले लेगी, जिन लोगों का कंटिन्यूएशन दिखा रहा है वो लोग से कंटिन्यूएशन ले लेगी और सबमिट कर देगी सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग का सरेंडर दिखा रहा है वो लोग का सरेंडर डिक्लेयर कर देगी, देखो इतने लोग आए, इतने लोग सरेंडर किए, इतने लोग कंटिन्यूएशन किए, और जो है रेगुलर बेल ले लेगी, क्योंकि कोर्ट ने इसको जो है 6 मंथ्स का पीरियड में देने बोल दिया है। अब आप लोग जो है भूल जाते हो तो मेरे को घड़ी घड़ी ये ना, पिछले भी वीडियो में बहुत महीने पहले जब ये आया था ऑर्डर, जब भी मैंने पढ़ के बता दिया था, बहुत सारे वीडियो में मैंने याद भी दिलाया ये ऑर्डर के 6 महीने के पीरियड में 2-2 महीने के हिसाब से देना है, फिर इसने आके जो है लॉस डिक्लेयर कर दी, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल है वही लेके जाओ, ये डिक्लेयर कर दी, पहले तो ये सब बातें नहीं हुआ करती थी, अब कितने लोग जो है भड़के हुए हैं, और एक एक
कंप्लेनर है, गौर से सुनिएगा, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ ना ऑडियो सुना सकता हूँ क्योंकि उन्होंने जो है वादा लिया है, लेकिन वो कंप्लेनर है, उसका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, उसका फॉर्म सबमिट हो गया और फिर उसको ये आया मैसेज कि यही कंटिन्यूएशन का बताइए। अब ये बोल रही है बहुत सारे लोग जो है कंप्लेनर के कॉपी पेस्ट हो गए हैं, इसकी वजह से उन लोग को प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्या बोलेंगे आप इसको, एक कंप्लेनर का ये सीधा सीधा कंटिन्यूएशन पे आ गया, मतलब ये एक फ्रॉड तरीके से वापस से इसने जो है वेबसाइट चालू करी और वेबसाइट जो लिंक है वो लिंक के थ्रू ये अभी गड़बड़ घोटाला करेगी। और आपको वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि ये बोलती है ना 2018 का दूंगी सत्ता, ये चीज इसको कोर्ट में बोलना चाहिए था ना, जब इसने प्रपोजल प्लान डाली थी, जब उसमें ऐसा क्यों बोली कि 6 महीने के पीरियड में दूंगी, और कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए कि 6 महीने के पीरियड में 2-2 महीने के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, और पहले के जो विड्रॉल है वो इसने मालूम नहीं करी, तो कितनी बड़ी झूठी औरत ये है। इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ फिरौन, दज्जाल और ये चुड़ैल, कमीनी, डायन, जो भी है, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का पैसा खा गई है और मुसलमानों को अभी तकलीफ दे रही है, रमजान के महीने में तकलीफ दे रही है। आगे चल के आप सुनना कि इन्वेस्टर लोग का इसके ऊपर क्या ऑडियोज आ रहे हैं, बहुत सारे ऑडियोज आ रहे हैं, अब जाके जो है आंखें खुली हैं, जागी हैं, जब से मैं बोल रहा था, जब से सुने नहीं कि ये फ्रॉड कर रही है, तकरीबन 8 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड करने वाली है, नॉन कंप्लेनर्स के साथ फ्रॉड होने वाला है, और जो है अपनी एग्जिस्टेंस बताइए और हमारे साथ जुड़िए, लेकिन कोई सुना नहीं, और आज देखिए क्या हालत है। देखिए एक ऑडियो सुना देता हूँ इसके ताल्लुक से, मुझे आया है, सुनिए। अस्सलामुअलैकुम नौमान भाई, मैं आपका वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, फॉलो करता हूँ, अभी आपने कल जो ये किया था वीडियो पर बताया था अपनी वेबसाइट के बारे में, तो मैंने आज वहाँ पर लॉगिन किया मैंने, और मैंने सारी शर्तें फिलअप किया, उसके बाद में ये एंड में मुझे ये बताना है। अब आप ज़रा गौर से देखिए, मैं विड्रॉल पैसे मांग रहा हूँ और ये लोग कह रहे थे सरेंडर रिक्वेस्ट। सेकेंडली जो मैंने हाईलाइट किया आप देखेंगे उसमें लिखा है मे अर्न बेनिफिट और लॉस कैन बी पेड और सेटल टेंटेटिवली, तो इसका मतलब ये तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ। मुझे अगर मैं सारे जो यूज़र्स हैं हमारे जो लिंक को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब वो लोग जाने गए यहाँ पे, तो हम लोग सरेंडर कर दिए हमारा लाइफ सारा, तो अगर वो आता है वो पैसे दे ना दे, हम लोग उसको कोई दे नहीं कर सकते उसके बाद में। ये सारे यूज़र्स लोगों को अलर्ट कीजिए कि जो डाल रहे हैं ये गलत चीज़ है, प्रोसीड नहीं करना चाहिए हम लोगों को। देखिए आप पक्के बता दीजिए। और एक बात है नौमान जी, जो वेबसाइट है ना ये मुझे लगता है इंटेंशनली ऐसा बनाया है लोगों ने। हैदराबाद में बहुत अच्छे से प्रोग्रामर्स है, इतनी स्टूपिड वेबसाइट कोई नहीं बनाता है। तो होता ये है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फर्स्ट लॉगिन होता है लॉग आउट हो जाता है, फिर दूसरे स्टेप पे ले जाते हैं, फिर लॉग आउट हो जाता है, फिर थर्ड स्टेप पे ले जाते हैं, फिर लॉग आउट हो जाता है। अब जब ये लास्ट में जब याद है डिक्लेरेशन का एक आता है, तो लोग गफलत में पड़ जाते हैं कि अब क्या करेगा, जल्दी से इसको प्रोसीड कर दो ताकि कहीं लॉग आउट हो जाए। इस चक्कर में बहुत लोगों ने इसको प्रोसीड कर दिया है और इसमें सबमिशन कर दिया है। सबमिशन के बाद में वो हमारा सारा आता है, फोटो वोटो लग के आता है, सारी चीज़ें होती हैं और ये डिक्लेरेशन हो जाता है। तो मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ एज अ मेंबर, तो मुझे क्या चीज़ सरेंडर करना है? मैंने कोई चोरी की है हम लोगों ने कि सरेंडर करें हम लोग? ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए आप तो ज़्यादा इसमें नॉलेजबल है, मुझे ये गलत लगी तो मैंने तो स्टॉप कर दिया इसको। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल दे दूँगा और सारी मेरे जो केस की है आपको फिर इंशाल्लाह भी ज्वाइन करूँगा। तो सुना आपने, तो ये चीज़ है। देखिए अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समझ में आ रहा है, तो मेरी ये सलाह है आप लोगों से कि इस दज्जाली फितने से जो है दूर रहिए। ये जो वेबसाइट बनाई गई है ये एक चाल है, और कोर्ट में अपने आप को प्रूफ कर देगी कि मेरा बिजनेस था, और ये देखो ये मेरे इतने लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, और जो सरेंडर भी कर रहा है उसको कंटिन्यूएशन का मैसेज आ रहा है, और जो सरेंडर कर दिए हैं वो लोग का ये बोल देगी कि देखो सरेंडर कर दिए, पैसा दे दी, क्योंकि वीडियो में आके ये कुछ और बोलती है, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे कुछ और फाइल होता है, ठीक है। तो यही वजह से जो है कुछ लोग बोलते हैं ना हनुमान भाई पहले तो बहुत तारीफ़ करते थे और अभी जो है ये कर रहे हो, भाई कोई तारीफ़ नहीं करते थे, जैसा जैसा है ना मैंने इसको देखा ना पेपर्स इसके जाते गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसने अपना पूरा जो है बदल दी बयान, तो मैं बोलूंगा ना वो चीज़ को, और पेपर रख के बोल रहा हूँ मैं, और मैं कोई इसका पालतू कुत्ता तो हूँ नहीं, मैंने इससे एक रुपया भी खाया नहीं है, तो मैं क्यों डरूँ इससे, मैं तो बोलूंगा। और इसमें फेवर और नई फेवर की क्या बात है, फेवर और नई फेवर की क्या बात है, इसको हम चाह रहे थे कि जल्द से जल्द बाहर आवे, क्योंकि 99.9% लोग इसके ऊपर एतमाद करके बैठे थे, कि भाई ये आएगी और पैसा देगी, तो जल्द से जल्द इसको बाहर निकालने का था कि देख लो भाई सच्चाई, देख लो क्या है सच्चाई, तो देख लिया आप लोगों ने अभी सच्चाई। तो हमारे एसोसिएशन के साथ में जुड़िए,
हम जो है आपके डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट तक के लेके जाएंगे और आपकी एग्जिस्टेंस बताएंगे और इसको फ्रॉड साबित करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसकी बेल कैंसिल कराएंगे, समझे। और इसकी बेल कैंसिल होगी ना जब फिर हमारा लॉयर इससे बराबर पूछताछ करेगा कि भाई तुमने ये बयान दिए थे कि 6 महीने के अंदर 2-2 महीने के इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दोगे, तो आपको छूट के इतना इतना टाइम हो गया, आपने दिए नहीं पैसा, अब तुम्हारा सही से प्रपोजल बताओ और फिर तुमको बेल मिलेगी, फिर तुमको बेल मिलेगी, इस तरीके का जो है चीज होने वाली है। और फिर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज, और फिर जो है बराबर से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस होती है ना, जो इसको दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है इसको दिए जा रहे हैं, वो ये जो है बेवकूफ बना के लोगों को जो कर रही है वो नहीं कर पाएगी ये, जब ये वापस से अंदर जाएगी और फिर जब लॉयर्स इसको सुप्रीम कोर्ट इसको दूसरे ऑर्डर्स देगी। हाँ, हमारे वकील भी इसको पूछेंगे कि प्रपोजल बता बराबर ये लोग का कैसा देगी, तो फिर वो प्रपोजल के हिसाब से इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये ठीक है, यही क्लियर करने का था बस आप लोगों से। और जो है इन्वेस्टर लोग क्या बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, और जो मेरी माँ बहनें हैं वो क्या बोल रही हैं, भाई लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये भी थोड़ा सुनते जाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमसे इन्वेस्टमेंट कराने के टाइम तो ये सब चीज़ों के बारे में कुछ बताया नहीं था इन लोगों ने, इतना लिंक विंक कुछ भी नहीं लिया था। जैसे ही चेक दे रहे हो 2 दिन में डायरेक्ट डिडक्ट हो जा रहा था हमारे अकाउंट पे से, और अभी पैसे देने के टाइम, अभी देने का तो दूर की बात, अभी तो कुछ पता आता नहीं है, लेकिन फिर भी लिंक ये वो, अरे कितने लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आधे से ज़्यादा तो बेचारे अंगूठा छापे हैं जो इसमें पागलों जैसे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, जिनको घर वर सब बेच के अभी 3 साल बाद ये लोग लिंक लिंक खेलेंगे, तो आधे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं कैसे करेंगे लोग, और ये सबमिट करने के बाद भी क्या होने वाला है, उससे अच्छा है कि हैदराबाद चलो और जाके उसके सामने बात करना पड़ेगा ये सब चीज़ों को लेके। ये सब नए 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 लोगों से नई नई बातें सुन के कुछ मतलब नहीं दिख रहा है अभी, और वो आगे भी इतने दिन से तमाशे ही हो रहे हैं, बस जेल से बाहर आके भी कुछ 1% का भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिकर इसलिए कर रहे आप, फिर अंदर जाने ही चाहिए, देख रहे ना लोग कितना टेंशन में है, और यकीन मानो जितने 99% जितने भी थे ना, तकरीबन लोग जो इससे डिसाइड कर लिए कि फिर से इसके ऊपर कंप्लेन करना ही करना, इसके हरकत देख के, तो ऐसे तो जो है कि यही समझ में आ रहा आप को अंदर जाना ही जाना है। अब इन कैदियों की इसलिए हिमायत ही कर रहे हैं बाहर आके, आप उनको जाना वही है अंदर, अंदर से आने से पहले कैदियों के साथ ऐसी जो है कि छोटे बातें करके आए हैं, कितने जो है कि झूठे बातें करे कि बाहर निकल के तुम अब ऐसे ऐसा करती हूँ ऐसा करती हूँ, अब बाहर आके जो है कुछ तो कुछ हाथ से तो कुछ लगाते नहीं नो, खाली वही वीडियो के जरिए से जो है कि खुश कर देते, थोड़ा खुश कर दिया, अभी जब इन अंदर जाएंगे तो ज़रा कैदियाँ जो है कि फिर से ज़रा
अच्छा इसके साथ बर्ताव करेंगे सुन लो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जिशान भाई, जेल के कैदियों की ही दुआ लेनी थी और जेल के कैदियों को ही सपोर्ट करना था उनको, तो फिर जेल में थे तो तब जेल के कैदियों से ही वो टाइम पे दुआ लेते बैठने की थी ना, तब उस टाइम पे 99% लोगों को क्यों आस दिला कि उनकी दुआ ली गई और उनका सपोर्ट लिया गया। हाँ 99 लोगों को क्यों थपकी दे के सुलाए कि मैं आऊँगी तो तुमको सब्र करो, तुमको तुम्हारी उम्मीद से भी बढ़ के दूंगी, तभी 99 लोगों ने 99% लोगों ने ही आपा को सपोर्ट किया और उनको दुआएं दी। जब तो क्या जेल के कैदियों ने कंपनी में पैसा लगाया है क्या? क्या जेल के कैदी लोग जो है उन लोगों ने आपा को दुआएं दी थी वो टाइम पे? 99% लोगों ने आपा के लिए दुआएं उठा के हाथ उठा के दुआएं की है, तीन रमजान और ये चौथा रमजान, तीन रमजान आपा अंदर थी और चौथा रमजान ना 99% मजलूम लोगों की या तीन बेवाओं लोगों की दुआओं की वजह से आपा चौथे रमजान बाहर है जेल के। तो आप क्या सिला दे रही हो इन लोगों को, इन मासूम और गरीब लोगों को, हाँ जो तड़प रहे है रमजान के अंदर, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? इधर उधर की वीडियो लाके डाल रहे है कि आपा ने ये करी, आपा ने वो करी, आपा सब कर रही है, हम इन्वेस्टरों का पैसा कहाँ दे रही है? हम लोगों का पैसा हम लोग मांग मांग के थक गए, हमको नहीं दे रही है, जिनको जरूरत नहीं है उनको बेवजह भर रही है और हमको जरूरत है हमारे पैसे हमको दे नहीं दे रही है, भीख नहीं मांग रहे हम, हमारे पैसे मांग रहे। कैदियों की फिक्र इसलिए कर रहे है, आप फिर अंदर जाना ही चाहिए। यही लोग है, यही सपोर्टर्स है देखो, जिन्होंने जो है कि हमेशा आपा आपा की कंपनी को कवर करे झूठ बोल बोल के, लोगों को जो है कि झूठे दिलासे देते गए, गुमराह करते गए। इन लोग ही बोलेंगे जबकि आपा जेल में रहने के बाद भी इन लोग ये बोलेंगे कंपनी चल रही, कारोबार भी चल रहे, उसका मुनाफा भी आ रहा। कुछ सपोर्टर ये बोले विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर पैसा मिलेगा, कोई ये बोला कि तीन दिन के अंदर पैसा मिलेगा, और हर सपोर्टर यही बोलता था कि पैसा भी देंगे बेनिफिट भी देंगे। तो मेरा ये बोलना है इसके जो सपोर्टर्स है, जिन सपोर्टर्स पे इन्हें बैठी हुई है, वो सपोर्टर्स को निकाल के खींचो नीचे से, सब राइट हुआ थे उसके बाद, समझे ना। इन लोगों की वजह से कंप्लेन नहीं हुई, इन लोगों की वजह से लोग जो है कि सब्र करें, लोग ही बोले ना हर बार जो है सब्र करो, तो आज कहाँ हैं इन लोग आज? तो आज इन लोगों को पूछो, आपा को पूछने से पहले इन लोगों को पकड़ो, तुम लोग बोलने पर जो है कि हम लोग खामोश बैठे सब्र करें। तुम लोग ही बोलते थे मुनाफे के साथ देंगे पूरा पैसा आएगा, तुम लोग ही बोलते थे कारोबार चल रहा, बहरहाल फलाना फलाना फलाना। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपा से पहले इनके घरों तक पहुँचो, जरूरी है वो। सॉरी भाई कट हो गया था, वीडियो डालते कई लोग बेचारे वीडियो डालते हैं, डाल के अपने आप की बताते हैं कितने तकलीफ में, सही करने के लिए ना उनके पास कुछ अनाज है, ना इफ्तारी करने के लिए अनाज है, क्या सबर की गोली खाए के सही इफ्तारी करें थोड़ा मैडम? हाँ समझ करो, तुम्हारा कल पिछले जुमा का वीडियो देख के तो हमको दिल बहुत खुश हो गया था कि ठीक है मैडम बहुत बहादुर है, 27 महीने जेल में रहने के बावजूद भी टूटी नहीं है, लोगों को पैसे देने की बात कर रही है, सिर्फ लिंक की बात कर रहे हैं, लिंक क्या हो जाएगा, लोगों को पैसे मिलेंगे। हम समझे थे लाख वालों को 2 किस्त में मिलेंगे, 10 लाख वालों को 4 किस्त में मिलेंगे, 20 वालों को 8 किस्त में मिलेंगे, ऐसे क्या तो समझे थे हम, मगर आप दूसरा ही लोगों को परेशान में डालने के लिए दूसरा ही फंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का भरोसा, जो आप पर भरोसा किए थे कंप्लेंट किए वो लोग छोड़ दो, जो कंप्लेंट नहीं करके जो लोग भरोसा किए थे ना आप उनका भी भरोसा तोड़ रहे हैं नेहरा मैडम, कैसा किसके ऊपर भरोसा करेंगे? लोग पहले से बहुत परेशान में, COVID-19 की वजह से लोगों के हाथ में काम नहीं, धंधा नहीं, परेशान में, और आप रमजान के महीने में बोले कि मैं जो भी इससे पहले 8-10 साल 20 साल जो भी बिजनेस क्यों वो पैसा बचा के रखा हूँ मैं, रखी हूँ मैं, और सोर्सेस है देने के लिए, ऐसा आपने खुद बोला है कल जुमा के इसमें, सोर्सेस है तो तकलीफ क्यों डाल रहे हैं इन्वेस्टरों को? हाँ जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका ले लो IBGV नंबर ले लो और उसे पता चलेगा फौरन, डुप्लीकेट का तो सवाल ही नहीं आएगा, कौन सी बैंक से है क्या नहीं, कौन सी तारीख से है, कौन सी तारीख को कितना पैसा डाले वो लोग बेचारे पता चलेगा। अच्छा तुम जो भी विड्रॉल किए होंगे तो तुम्हारे भी वो बैंक को पैसे गए होंगे, वो बैंक के थ्रू से वो कस्टमर को वो भी पता चलेगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत आएगी मुझे तो लगता नहीं नोरा मैडम। आप खोलो, अभी भी आपकी थोड़ी बहुत मार्केट में इज्जत है, वो भी इज्जत बचा के रखो, नहीं तो लोग
खैर अभी तो सुनने वाले ने रमजान का महीना होने के बाद धाव बोल देंगे हैदराबाद को, तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा, तुम्हारे अहलो आयल का, तुम्हारा, तुम्हारे चाहने वालों का, सलीम आयबन, सलीम आयफन जैसे कुत्तों का जो आपने पट्टा डाल के रखा है, हाँ वो बोलता है कमीना है, जो भी आए उनको कंप्लीट किए जाओ, तुम ऐसा बोल के हकालता है वहाँ से तुम्हारे ऑफिस में से, ऐसे चप्पल से मारना चाहिए सलीम आयफन जैसे नालायक लोगों को, बीच का कुत्ता आवारा आवारा कुत्ता साला सलीम आयफन, मोतीर रहमान मूत पी के दिन काट रहा कमीना इसके माँ का बहन चो साला मिलने दो उसको, तो उसको कभी छोड़ूंगा नहीं मैं सलीम इस मोतीर रहमान ब्रांडू को, नोरा मैडम उसको नोरा, वो तुम्हारा नमक खाया ना इस वास्ते तुम्हारे चमचागिरी करता रहता है, अल्लाह का डर नहीं खौफ नहीं उसको, नहीं तो इन्वेस्टरों के बारे में बात करता है, बोलता है वो सलमान मिर्जा बदमाश हो काला चश्मा डाल के अरबी में शुरू में एक दुआ पढ़ता है, और पूरा थोड़ा झूठा आदमी है साला मक्कार, ये मक्कारों की टीम की बात सुनो मत नौरा मैडम, आपको फंसा रहे हैं लोग क्योंकि आपके पास ये पैसे ले ऑलरेडी ये लोग आपके पास आपको